हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉलीवुड सिटी। तो अब मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए और अभी मुझे मेकअप करेगी मेकअप आर्टिस्ट। तो अभी मेरे चेहरे पे पाउडर लगा रही है और अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ, फिर जब मेकअप कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मुझे देखेंगे, तो मुझे आप खूबसूरत देख पाएंगे। तो अभी पाउडर लगा रही है, उसके बाद पॉप मार रही है। दरअसल शूटिंग करने के लिए आपको चेहरे पे मेकअप करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जो कैमरा का जो फोकस होता है वो चेहरे पे होता है। और शूटिंग में फिल्म पर्दे में जब ये बड़े पर्दे में चलेंगे तो बेहतर दिखने के लिए सब करना चीज़ ज़रूरी पड़ता ही है। तो बस बहुत जल्दी अब मेरा मेकअप होने वाला है। तो अभी मुझे ब्रश मार रही है और ये देखो चेहरे में कितना बदलाव आ रहा है। देख ही सकते हैं अब बाल को मेरा सजाया जा रहा है, ताकि मेरा बाल मेरे चेहरे के सामने में ना आए। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरे बाल को बहुत ही प्यार से सहला रही है, कंघी मार रही है, ताकि मेरा बाल इधर से उधर ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि शूटिंग के टाइम में बाल चेहरे के सामने में आ जाता है तो बार बार हटाना पड़ता है, तो इसकी वजह से उसको सही तरीके से सेटिंग किया जाता है। फिर उसके बाद उसको सही लेवल पे लाने के लिए कुछ स्प्रे मारा जाता है। ये देखो स्प्रे मार रही है, फिर उसके बाद कंघी कर रही है, जेल लगाया जाता है। तो डायरेक्टर का जो डिमांड होता है फिल्म के अंदर, जो शूटिंग के अंदर किस तरह का फेस होना चाहिए, क्या लुक होना चाहिए, वो लुक दिखाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि मैं अब बहुत पहले से बदल चुका हूँ, दिखने में अच्छा लग चुका है मेरा। अब हम शूटिंग करने के लिए चलेंगे। वैसे यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब है, ठंड की वजह से मेरा गला फंस रहा है, इसकी वजह से मेकअप करने के टाइम में थोड़ा एलर्जी हो रहा था मुझे। तो अब हम शूटिंग में जा रहे हैं, पहले कैसा था मेरा फेस अब कैसा हो रहा है। तो दोस्तों बस कुछ देर में मेरा शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो सब अभी खाना खा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा उधर घूम लेते हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, पूरा जंगल ही जंगल है, और इस तरह का मूवी के लिए इस तरह का लोकेशन लगता ही है। ये एक थ्रिलर हॉरर मूवी है। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये जो पेड़ देख रहे हैं इस पेड़ में एक फल होता है, जो मैं फल आपको दिखाऊंगा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये पेड़ के ऊपर था, मैंने इसको तोड़ा। मैं यहाँ पे देखा कुछ लोग इसको तोड़ रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कोशिश किया और बहुत सारा मैंने तोड़ा। तो इसको खाने से मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन इसको खाने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा खट्टा है लेकिन बहुत बढ़िया है। तो गाइस अब फाइनली शूटिंग के लिए आ चुके हैं, तो शूटिंग के लिए सारे लाइट्स लगा रहे हैं और हमारे डायरेक्टर साहब वो बता रहे हैं कैसे क्या करना है, और अब इसके अंदर शूटिंग होना है। तो ये देख रहे हैं अंदर में कैमरा लगा हुआ है और आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। तो अभी बताएंगे कि इस सीन को कैसे करना है। कोई भी सीन को करने से पहले उस चीज़ को समझाया जाता है, तब जाकर के शूट किया जाता है। और कोई भी शॉट के लिए एक लाइट का बेहतर तरीके से फोकस किया जाता है और डायरेक्टर उसे बता रहे हैं। और ये जो हाथ में है जिसको जीवी लाइट कहा जाता है, और जीवी लाइट उसके चेहरे पे दिया जाता है, और ये डायरेक्टर बता रहे हैं कि आपको क्या डायलॉग बोलना है, क्या एक्सप्रेशन रहेगा, और इसके पीछे एक डेकोरेशन सजाया जाता है ताकि कैमरा के सामने में बेहतर दिखे। और हमारे कैमरामैन वो कैमरा लगा करके बैठे हुए हैं, और ये हमारे पीछे देख रहे हैं आप लोग। दरअसल शूटिंग कैसे होता है वो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये है साउंड, जो फिल्म के अंदर जो डायलॉग बोला जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये मॉनिटर है, पास में कैमरा है, मॉनिटर में देखते हैं
क्या फेसिंग रहना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन रहना चाहिए, वो डायरेक्टर सब देखते हैं। और ये अब मुझे लग रहा है कि रोल स्टार्ट हो चुका है। तो एक लड़का और लड़की बैठी हुई है, इनका अब शूटिंग स्टार्ट हो रहा है। ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये बर्थडे के लिए केक लेके जाएंगे उनके पास। तो डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे आना है, कैसे रखना है, क्या बोलना है। ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा ब्लैक मैजिक से शूट किया गया है इस फिल्म को। तो सारा कुछ उसे समझा दिया कि कैसे आना है, कैसे वहां पे पहुंचना है। और ये जो सीन हो रहा है, एक बर्थडे का सीन हो रहा है। जाने फिल्म के ये एक्ट्रेस और हीरो हैं।